नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बता रही हूं जो मंगल की है, लेकिन इसको यूज़ में लेने से कोई भी अमंगल नहीं होता, लेकिन कुछ ख़ास राशियों के लिए ही ये फलीभूत होती है। तो आइए जानते हैं ये क्या है। और सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन दबाना है आपको, और नोटिफिकेशन जिससे आपको प्राप्त हो सके। भगवान आप सबका भला करे, क्योंकि आप लोग गुणी जन हैं और मेरे चैनल को बहुत पसंद करते हैं। ये कमेंट्स में आपके अभिव्यक्ति आती रहती है मेरे पास में, तो उसके लिए आपको धन्यवाद और चरण स्पर्श। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, ये है रफली किया हुआ लाल चंदन का चूरा। ये बहुत ही शुभ होता है और ये इतना ज़्यादा शुभ होता है कि इसको जल में अगर डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दे दिया जाए लाल पुष्प के साथ में, तो ताकत में वृद्धि होती है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है और व्यक्ति का पुरुषार्थ और पराक्रम उसके साथ देता है। शत्रु से बदला लेना हो तो इसके पानी से स्नान करने से और अर्घ्य देने से सूर्य को लाल चंदन से, तो बहुत ही ज़्यादा पुरुषार्थ और पराक्रम आपके पास में आएगा और शत्रु से बदला ले सकोगे। लेकिन शत्रु से बदला लेना अच्छी बात नहीं है और किसी को शत्रु समझना भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन पानी सर से ऊपर चला जाए तो व्यक्ति की नेचर के हिसाब से बदले की कामना करें, अन्यथा नहीं। किसी के बच्चे या बुजुर्ग से बदला लेना अच्छी बात नहीं होती है। बदला लेना है तो मंगलवार को लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए। जिनका मंगल अशुभ हो उनको लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। गाजर खाके कोई भी मंत्र अगर आप जपते हो मंगल ग्रह का, तो आपको फ़ायदा होगा। जिनका मेष लग्न है, जिनका वृश्चिक लग्न है, या जिनकी मेष राशि है या जिनकी वृश्चिक राशि है, उनको लाल रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना चाहिए। उनके बगीचे में लाल रंग के फूल अवश्य होने चाहिए। लाल रंग के पुष्पों की माला भी आप पहन सकते हैं अगर आपका शनि आपको पीड़ा दे रहा है। कर्क और सिंह लग्न में मंगल योग कारक होता है, तो इनको मंगल के उपाय अवश्य करने चाहिए।